मैड ओवर डोनट्स, इट्स माय फेवरेट। मैं बहुत भावों के हाथ का दाल बाटी चूरमा और घर की रोटी और सब्जी और घर के लड्डू खा के थक गई हूँ। तो फाइनली थोड़ी सी आप थोड़ी सी बचपन से जो आदत है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार से हूँ, तो मुझे वो डोनट यू नो पैटीज पेस्ट्रीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली आज मोहित ने मेरे दिल की बात सुनी। यार ये इंग्लिश डेजर्ट्स है ना, मतलब वो क्रिश्चियन वाले। हाँ, जो तुम लोग खाते हो खाने के बाद कभी कभार। दिल खोल के आज तुम्हें जो खाना है खाओ, मतलब दिल खोल के खिलाएगा। करके सब खाएंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं इंडियन वाले से। एमिली हुई पागल। और ये देसी डोनट्स मोहित और एमिली को इतने भा गए कि अपने सूरज भैया की मिठाई की दुकान में इस डोनट को बनाने का प्लान बना लिया इन दोनों ने। अगर हम ये चीज इंट्रोड्यूस करते हैं दुकान में, चार चांद लग जाएंगे फिर। कुछ कर दिया राजस्थान में वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। वैसे तो है भैया, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, सीखते हैं कैसे बनते हैं। तो सूरज भैया से आकर बताऊंगा मैं कैसे बनते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे पास चॉकलेट्स हैं, ये एक है वाइट चॉकलेट, ये होता है डार्क चॉकलेट, और ये होता है मिल्क चॉकलेट जो रेगुलर चॉकलेट है। जो आप स्प्रिंकल वाला डोनट बनाते हैं, मोहित और एमिली ने डोनट्स तो बना लिए, लेकिन इसके बाद शुरू हो गई दोनों की लड़ाई किसने सबसे अच्छा डोनट बनाया है। ये हम छोड़ देते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। मैंने बनाया है, थोड़ा सा एमिली ने खराब किया, और ये बनाया है एमिली ने। ये तो बहुत सिंपल था, ऊपर से उसने बस छिड़क दिया, हो गया इसका मैंने थोड़ा सा। डोनट्स खाकर लोगों पर कैसा असर होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। हमने पेट भर के डोनट्स खा लिए, बहुत ज्यादा खा लिए, और ये भर भर के हमने पैक भी करा लिए, क्योंकि आप तो जानते हो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो सबको जाके सबसे पहले सूरज भैया को खिलाऊंगा, थोड़ा मीठा खिलाऊंगा, और उनको बताऊंगा कि मैं सीख के आया हूँ कैसे बनते हैं डोनट्स।